आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट एकदम आपको घर में ही मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने इसमें 500 ग्राम पालक लिया हूँ। पालक को मैं पहले ही वॉश कर लिया हूँ और इसमें पालक का बस पत्ता का यूज़ करेंगे, डंठल को हटा देंगे। पालक का पत्ता को रफली चॉप कर लिया हूँ। अब पालक को बॉयल करने के लिए एक पैन में नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। पानी को गर्म होने देते तब तक मैं कुछ कैशू निकाल रही हूँ। कैशू को पानी में डाल देना है। कैशू को पालक के साथ ही उबाल लेंगे। कैशू डालने से ग्रेवी में क्रीमीनेस आएगा। अब मैं पानी में सारा पत्ता को डाल के इसको ढक के बॉयल होने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब ढक्कन को हटा के पालक को दूसरा साइड पलट देंगे। पालक को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर कम हो जाता है। अब पालक को धीरे धीरे छान के पानी से निकाल लेंगे। अब एक बोल में मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ और पहले से ही मैं कुछ आइस क्यूब भी डाली थी। इस ठंडा पानी में पालक का पत्ता को डाल देना है। इससे आपका पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इतना ही डार्क रहेगा। 5 मिनट तक पानी में रहने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद पालक को अब एक छन्नी का मदद से पानी को छान लीजिए। अब एक मिक्सर जार में पालक को डाल देंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने का टाइम कोई भी पानी देने का ज़रूरी नहीं है। पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और ये पेस्ट में एक क्रीमीनेस है। पनीर को अब छोटा छोटा पीस में काट ले रही हूँ। मैंने इसमें 300 ग्राम पनीर का यूज़ किया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल गर्म होने से पनीर का पीसेस को डाल देंगे। इसको दोनों साइड ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप कच्चा पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी। फ्राई किया हुआ पनीर और सॉफ्ट रहे इसके लिए मैं एक बोल में गर्म पानी ले लिया हूँ और इसमें थोड़ा नमक डाल दिया। अब इस पानी में फ्राई किया हुआ जो पनीर है इसको डाल देंगे और थोड़ा सा टाइम के लिए इसको भीगने देंगे। इससे पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सेम पैन में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम होने से इससे जीरा ऐड कर ऐसा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है पूरा ब्राउन कलर करके। प्याज को एकदम ब्राउन कलर करके फ्राई कर लेना है। इससे ग्रेवी का टेस्ट को और बढ़ा देगा। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया। हल्दी भी इसमें बहुत ही नाममात्र यूज़ कीजिए। अब सभी को एक बार चला के ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये होममेड टमाटो प्यूरी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस टाइम गैस का फ्लेम को लो कर दीजिए और इसको होने दीजिए। ग्रेवी से ऑयल छूटने लगा है, मतलब मसाला अब रेडी है। अब इसमें जो पालक का पेस्ट है उसको डाल देंगे और सभी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम को इस टाइम लो ही रखिए, नहीं तो बहुत छीटा आएगा। पालक को अब थोड़ा टाइम के लिए भून लेंगे। इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए होने देते हैं। तब तक जो भीगा हुआ पनीर था इसको पानी से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट बना है पनीर। अब इसको पानी से निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुका है। अब ढक्कन को उठा के एक बार चेक कर लेंगे। देखिए ऑयल एकदम ऊपर आ चुका है। अब ग्रेवी को एक बार चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर को। सारा पनीर को डाल देने के बाद ग्रेवी के साथ पनीर को मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बहुत गाढ़ा है, इसलिए जो पनीर में भिगो के रखी थी वो वाला पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और सभी मसाला को एक बार चला लेंगे। अब इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन को उठा के चेक कर लेंगे एक बार। ग्रेवी का थिकनेस बिल्कुल सही है। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। इससे आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा। घर का मलाई भी आप इसमें डाल सकते हैं।
ये बात याद रखिएगा, घर का मलाई हो या बाहर का फेस क्रीम, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। सभी को और एक बार चला के ढक्कन दे के और 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम में होने देना है। पालक पनीर बनके रेडी है। अब गैस को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद देखिए गाइस कलर कितना बढ़िया आए हैं। अब पालक पनीर को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इसको आप रोटी, पराठा, नान, कोई भी चीज़ से खा सकते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर में मिल जाएगा। मैं डेकोरेशन के लिए ऊपर से थोड़ा फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ।